हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ग्लोबल मूवी टीवी। आज हमारे साथ एक ऐसे आर्टिस्ट है जो काफ़ी पॉपुलर है अपनी कंपोजिंग और अपनी सिंगिंग को लेकर, और हाल ही में उनका एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है जिनका नाम है लखनऊ सेंटर। उसमें उन्होंने 4 सॉन्ग्स कंपोज भी किए हैं और गाए भी हैं। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। अर्जुना जी, हमें बताइए ये लखनऊ सेंट्रल में जो 4 गाने हैं आपके, उनके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। टेक्निकली देखा जाए तो गाने 4 नहीं है, 3 है, क्योंकि एक तो रीमिक्स है तो उसको मैं गाने में नहीं गिनूंगा कि मैंने कंपोज किया। बट जो 3 गाने हैं वो बहुत डिफरेंट गाने हैं। एक गाना है कांवा कांवा जो कि रिक्रिएट किया है हम लोगों ने, एक अपबीट सॉन्ग में कन्वर्ट किया, क्योंकि वो आई थिंक पहले जो एक फिल्म में था उसमें थोड़ा स्लो टेम्पो में था, इसमें हमने उसको फास्ट किया है। और थोड़ा आई थिंक अभी काफ़ी जगह मैंने सुना गणपति में भी बज रहा है, लोग नाच रहे हैं उस पर, तो आई फेल्ट हैप्पी कि जब उसको सुना मैंने। और उसके बाद एक गाना है 3 कबूतर जो कि किसी भी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किए बिना बनाया हम लोगों ने, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि और इस गाने में सबसे ज़्यादा कोलैबोरेशन हुए हैं। आप देखेंगे इसमें मोहित चौहान जी की आवाज़ है, दिव्य कुमार, फिर तौफिक कुरेशी जी ने उसमें पूरा पर्कशन अपना जो उनका बैंड है मुंबई स्टैम्प उसके साथ, फिर एफ्लाट्यून्स करके एक ग्रुप है जो एकापेला करते हैं वो हो गया, फिर मेरी टीम में जो मेरे जो असिस्टेंट्स हैं अनुभव हो गया, वेल जॉन, आदित्य हिमानी है एंड सुरभि है। तो इट वॉज़ अ ऑनसेम्बल, मतलब बहुत बड़ा एक ग्रुप बन गया था हमारा इस गाने को क्रिएट करने के लिए, क्योंकि उसमें एक जद्दोजहद थी कि म्यूज़िक में क्या डालें, अब तो पियानो नहीं डाल सकते, ये नहीं डाल सकते, वो नहीं डाल सकते, तो हमने क्या किया, हमने मिट्टी की साउंड रिकॉर्ड की है, हमने फुट टैप। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, हाउ कम मिट्टी की साउंड, आप कैसे मिट्टी को उठा के फेंकेंगे नीचे अगर गीली मिट्टी तो उसकी एक आवाज़ आती है, तो आप वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिर फुट टैपिंग की आवाज़, फिर बॉडी पर्कशंस, फिर माउथ पर्कशंस, तो इस तरह से वो पूरा गाना क्रिएट हुआ है। और मतलब होते हैं, बट इस गाने में उसका मतलब है फ्रेंडशिप, यारी। तो ये गाना आई थिंक बहुत लोगों ने मेरे से पूछा कि क्या ये सैड सॉन्ग है, तो क्योंकि मे बी उनको लगता होगा शायद, क्योंकि जितना उन्होंने अभी तक देखा है, बट मुझे लगता है ये गाना इंस्पायर करेगा लोगों को, क्योंकि इसमें एक चीज़, इसमें एक मैसेज है गाने में कि आप कभी हार मत मानिए, कुछ भी हो जिंदगी आपको मुँह के बल गिराएगी नीचे, आपने उठा। देखिए कुछ भी, जो भी एक अच्छी फिल्म होती है ना, उसके सारे गाने के आइडिया फिल्म के अंदर से ही एक्सट्रैक्ट होते हैं। तो क्योंकि फिल्म कैदियों के ऊपर है, तो उसका कंसेप्ट ये था कि जेल के अंदर तो कोई इंस्ट्रूमेंट्स है नहीं, सिर्फ एक गिटार होगा प्रॉबेबली, तो बाकी क्या है। फिर हमने क्या किया, बकेट की साउंड यूज़ की, बाल्टियों की, बर्तनों की, वो कपड़े धो रहे हैं उसकी साउंड है उसमें, मिट्टी की साउंड है, जो भी वहाँ पे एलिमेंट्स मिल सकते थे। मैं सेट पे गया था, मैंने देखा था वहाँ पे क्या क्या है, वो सब चीज़ों को मैंने इंस्ट्रूमेंट्स में कन्वर्ट करके बहुत सारे लोगों की मदद से उसको एक गाने में प्रदर्शन किया है उसका। देखिए अब आप कैसा लगता है। ओके, अब हम थोड़ा पीछे जाते हैं आपके पास्ट की ओर। यू आर फ्रॉम दिल्ली एंड दिल्ली टू मुंबई, ये सफ़र भाई, ही अप्रोच्ड मी कि एक फिल्म हम लोग कर रहे हैं, आप एक बार डायरेक्टर से मिलिए। तो दैट्स हाउ इट हैपेंड, और सब कुछ इतना जल्दी हो रहा था कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था, मुझे लग रहा था क्या हो गया, ठीक है कर लेते हैं, वो किया एंड दैट सॉन्ग बिकेम अ मैसिव हिट एंड आई एम रियली थैंकफुल टू एवरीवन हु वाज ऑन बोर्ड फॉर दैट प्रोजेक्ट। ओके, जिंगल्स आपने कंपोज किए हैं, सीरियल्स के सॉन्ग भी आपने कंपोज किए हैं, और अब मूवी के भी कर रहे हैं। सो कुछ स्लाइट डिफरेंस या कुछ मेजर डिफरेंस इन तीनों में? बहुत डिफरेंस है इन तीनों में, क्योंकि सबसे बड़ा डिफरेंस यह है कि कितना वक्त मिलता है आपको एक चीज़ को करने के लिए। जो एडवर्टाइजिंग हम लोग करते हैं वो बहुत स्पॉन्टेनियस, हर्षदीप कौर है, जुबिन है और दिव्य कुमार है जिन्होंने फिर स्मेर लिखा है, मोहित चौहान है, आई थिंक सब, मैं क्यों रिस्ट्रिक्ट करूँ अपने आपको किसी एक के लिए, सब जिनको भी मेरे साथ मतलब काम करने का कुछ भी थोड़ा सा भी अगर इंटरेस्ट है तो मैं सबके साथ कोलैबोरेट करना चाहूँगा। ओके, हमारे व्यूअर्स के लिए एक छोटा सा सॉन्ग प्लीज़। ठीक है, मैं गाता हूँ एक सॉन्ग, आई विल सिंग लखनऊ सेंट्रल का ही जो गाना है अरिजीत की आवाज़ में और मेरी भी। गाने का नाम है रंगदारी। वो जिंदगी तेरे रंगों से रंगदारी ना हो पाई, लम्हा लम्हा कोशिश की पर यारी ना हो पाई। गाने को सुनेंगे तो आगे वो बोलता है लिरिक्स में कि चाहे मुझे छोड़ दे तू, चाहे मुझे तोड़ दे, लेकिन मैं खड़ा होकर अपना काम करूँगा। दिस इज़ व्हाट द मैसेज इज। ओके, सो एनी अपार्ट फ्रॉम दिस मैसेज, एनी मैसेज दैट यू वुड लाइक टू फॉरवर्ड? नहीं, मैं तो एक्चुअली सबको इंस्पायर करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे म्यूजिशियंस हैं जो मेरे को यू नो मेरे से पूछते हैं कि हम लोग बॉम्बे आना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि बॉम्बे आइए बहुत अच्छी बात है अगर आपकी सिचुएशन अलाउ करती है तो, बट म्यूज़िक आप कहीं से भी कर सकते हैं, डोंट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ कि मैं अगर दिल्ली में हूँ तो मैं म्यूज़िक नहीं कर सकता। मैं खुद दिल्ली से हूँ, मैंने खुद दिल्ली से शुरुआत की है और बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट दिल्ली से ही काम कर रहे हैं,
तो जितने भी लोग हैं जो आपको लगता है कि हम बॉम्बे नहीं जा पा रहे इसलिए हम म्यूज़िक नहीं कर सकते, ये गलत है। जहाँ पे आप हैं वहाँ से उसी जगह का फ़ायदा उठाइए और वहाँ से काम करके अपना बाहर निकालिए। ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर टॉकिंग विद अस। थैंक यू सो मच। तो ये थे अर्जुना हरजाई हमारे साथ। कीप वॉचिंग ग्लोबल मूवी टीवी। थैंक यू।